हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं आप बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ओकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में। मैनिफेस्टेशन स्टोरीज बहुत अमेजिंग एंड पावरफुल होती हैं एंड बहुत हेल्प करती हैं हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी फील होती है बिकॉज मैं काफ़ी मेहनत से कंटेंट डिलीवर करती हूँ। चीज़ें आपको आना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसको बताना, समझाना, इसके लिए एक अलग ही कह सकते हैं मेहनत लगती है, काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। बट उसके बाद जब आप लोगों की मैनिफेस्टेशन स्टोरीज मुझ तक पहुंचती हैं, बिलीव मी, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने टाइम निकाल के अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज को यहाँ पे शेयर किया। दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, सो बात कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ के बारे में। अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगनर हो, नए हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिलीफ इश्यूज़ हैं, आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस सिचुएशन में, किस टाइप के सिनेरियो में आप क्या मेथड यूज़ कर सकते हो, तो मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ आपको गाइड करती हैं। एट द सेम टाइम कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत नेगेटिव हो रहे होते हैं एंड हमें नहीं समझ आ रहा होता है कि हम कैसे खुद की वाइब्रेशंस को अप करें, खुद को बेटर फील कराएं। सो कई बार क्या होता है कि जो मैनिफेस्टेशन स्टोरीज होती हैं हमारे को पॉजिटिविटी का डोज भी देती हैं, जो कि हमें हमारी खुद की मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करता है, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी की तरफ। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ को आप सबको शेयर करूं, एंड जिसमें मंत्रास भी होते हैं, स्विच वर्ड्स भी होते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन मेथड्स भी होते हैं, सो दैट आप कलेक्टिवली समझ पाओ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप मंत्रास में बिलीव करते हो, स्विच वर्ड्स में बिलीव करते हो, किसी डीईटी में बिलीव करते हो, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एंड जब आप उस डिवाइन एनर्जी पे फेथ रखते हो, खुद को डिटैच करते हो, चीज़ों से नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो, वहाँ से मैनिफेस्टेशंस होना स्टार्ट होती हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं आज के मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी की तरफ। मैं इसको रीड करने वाली हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एंड जो ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी है ये मुझे व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड की गई है। ठीक है, तो आप भी इस नंबर पर अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हो। एंड एक और चीज़, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका नाम मेंशन करूं यहाँ पे पब्लिकली, अपने मैसेज में अपने नेम को ऐड करके दीजिएगा, जिससे कि मुझे कंफ्यूजन ना होगी आपका नाम लेना है नहीं लेना है। अगर आपका नाम मैसेज में नहीं होगा तो मैं आपका नाम मेंशन नहीं करूँगी, बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं नाम मेंशन करने से। तो हाँ, ठीक है, तो चलिए मैं स्टोरी को रीड करने वाली हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखती है, हाय हिमाद्री हेयर, I want to share my experience for reading Kali Ma Chalisa for 9 days at 9 o'clock 9 times. So I am working with a real estate and somehow I got stuck in my work. So I decided to do this ritual and asked Ma Kali to give me at least one deal before ending a month. Within 3 days I got a deal and that was unbelievable. Seriously, when I got to know about this deal, and one more thing, Kali Ma is doing everything I want in my life. She is just a best friend to me in every situation, every time. She helps me, I know she is with me every time. Thank you Apurva for making me realize that how powerful Kali Ma is. Just because of you I started doing my rituals for Kali Ma and start believing. Thanks a lot. Much love. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कंग्रेचुलेशंस आपकी डील के लिए। तो यहाँ पे हिमाद्री जी बात कर रही हैं 9 days काली चालीसा रिचुअल के बारे में। मैंने प्रॉपरली इसकी एक वीडियो की हुई है, आप चाहो तो आप उसे देख सकते हो। इस रिचुअल को 9 days तक करना होता है 9 बजे रात के। ठीक है, आपने एक बारी में 9 times काली चालीसा रीड करनी होती है, फिर नेक्स्ट डे आपने अगेन सेम टाइम पे 9 times काली चालीसा रीड करनी होती है। अप टू 9 days आपने इस रिचुअल को कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं बहुत टाइम से माँ काली से जुड़ी हुई हूँ एंड उनकी ही वजह से मैं और डार्क गॉडेसेस से कनेक्ट हो पाई हूँ। सो शी इज़ माई पिलर एंड शी इज़ माई स्ट्रेंथ आई कैन से। एंड ऑब्वियसली शेडो वर्क माँ ने कराया है मेरा, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज उस टाइम पर तो मैं एक केओस में थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। बट अब मैं बिगर पिक्चर को देखती हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ,
शी इज़ अ ग्रेट प्रोटेक्टिव मदर, शी इज़ अ ग्रेट मदर, जस्ट ट्रस्ट हर इन द प्रोसेस. अगर आप कोई भी माँ काली से रिलेटेड मंत्रा कर रहे हो, स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो उनका, या फिर ये रिचुअल भी आप कर रहे हो, बिलीव मी माँ काली रिचुअल्स कभी फेल नहीं होते हैं, बिलीव मी. सो एक तो इंस्टेंटली आपको हेल्प मिलती है एंड इतनी मिस्टीरियस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं कि आप खुद भी शॉक हो जाओगे, बिलीव मी. एंड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे फिर से एड ऑन कर लेती हूँ, हालांकि मैंने उनको चैनल पे बताया हुआ है, बट एक तो ये काली चालीसा का रिचुअल है एंड स्टिल अगर आपको अर्जेंट विश फुलफिलमेंट के लिए माँ की हेल्प चाहिए, चैंट क्रीम मंत्रा. माँ का बीज मंत्रा है, इट्स क्रीम 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 क्रीम. एंड सेकेंड मंत्रा फॉर विश फुलफिलमेंट अगेन इज ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः. एक ये मंत्रा. अगेन एक थर्ड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इट्स अ वेरी पावरफुल स्विच वर्ड एंड माइंड यू आप जैसे ही इनकी चैंटिंग करनी शुरू करते हो तुरंत चीज़ें होती हैं, ठीक है. इंस्टेंट हेल्प के लिए तो आप इन्हें आग बंद करके चैंट कर सकते हो एंड बिलीव मी इट वर्क्स. वन मोर स्विच वर्ड आई वांट टू गिव यू, काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ. इट्स अ स्विच वर्ड, जितना मन करे आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो, बट बिलीव मी जब भी आपको विश फुलफिल करनी है, कोई काम आपको माँ से, किसी भी काम में आपको माँ की हेल्प चाहिए, आप इन मंत्रास एंड इस रिचुअल की हेल्प ले सकते हो. नो मैटर आपकी जो विश है आपको कितनी बड़ी लग रही है, इम्पॉसिबल लग रही है, बट फॉर माँ काली इट्स नथिंग, शी कैन डू इट लाइक इन सेकेंड्स, बिलीव मी. एंड मैंने इंस्टेंट मैजिक होता हुआ भी देखा है, सो आई कैन टेल यू अगर आप माँ काली से कनेक्टेड फील कर पाते हो, सो आप इन स्विच वर्ड मंत्रास एंड इन रिचुअल के साथ काम कर सकते हो. एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, अगर आप फास्टिंग पे बिलीव करते हो, अगर आप माँ काली के फास्ट भी करते हो अपनी किसी भी विश के लिए, इम्पॉसिबल विश के लिए, यू विल सी अ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, बिलीव मी, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हो तो. सो अगर आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, कोई भी सिचुएशन है जो आपको समझ नहीं आ रही सॉल्व कैसे करनी है, तो आप इन रिचुअल्स की, इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हो, ठीक है. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच हिमाद्री एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी डील के लिए. तो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.